मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की एक टिप्पणी पर सियासी घमासान मचा हुआ है। राजद सांसद मनोज झा ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा है। मनोज झा ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि पीयूष गोयल ने बिहार के लोगों का अपमान किया है और उनको माफी मांगनी चाहिए। दरअसल राज्यसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि अगर इनका बस चले तो देश को बिहार ही बना दे। साथ ही मनोज झा ने सभापति से निवेदन किया है कि इस बात को राज्यसभा के रिकॉर्ड से हटाया जाए। साथ ही सांसद मनोज झा ने चिट्ठी में केंद्र सरकार पर बिहार की अनदेखी का आरोप लगाया है। मेरा एक अक्सर सर ये बिहार के अपमान का प्रश्न है। पीयूष जी मैं हाथ जोड़ता हूं, अब आप मुझ पे टिप्पणी कर ले, मेरे राज्य बिहार पे टिप्पणी ना करें। पीयूष गोयल के बयान पर देखिए राजनीति गर्मा गई है। पीयूष गोयल की टिप्पणी पर अब सियासी बवाल मचा हुआ है और मनोज झा पीयूष गोयल के इस बयान को लेकर भड़के हुए हैं। चिट्ठी उन्होंने लिखी है और ये चिट्ठी देखिए आपको दिखा भी रहे हैं। पीयूष गोयल के बयान पर मनोज झा भड़के हैं और ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है। अब इस पर सियासत कहीं ना कहीं गर्म होती नजर आ रही है। तो ये वही चिट्ठी है जो मनोज झा ने लिखी है और पीयूष गोयल से माफी मांगने का मेरा एक अक्सर सर ये बिहार के अपमान का प्रश्न है। पीयूष जी मैं हाथ जोड़ता हूं, अब आप मुझ पे टिप्पणी कर ले, मेरे राज्य बिहार पे टिप्पणी ना करें। तो देखिए पीयूष गोयल के इस बयान के बाद से अब राजनीति बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। मनोज झा ने अब चिट्ठी लिखी है और केंद्र सरकार पर बिहार की अनदेखी का आरोप लगाया है, क्योंकि पीयूष गोयल ने जिस तरीके से राज्यसभा में चर्चा के दौरान ये कहा था कि अगर इनका बस चले तो देश को यह बिहार बना दे, और इस बयान के बाद से ही पीयूष गोयल को लगातार घेरा जा रहा है। साथ ही मनोज झा ने सभापति से निवेदन किया है कि इस बात को राज्यसभा के रिकॉर्ड से भी हटा दिया जाए। साथ ही मनोज झा ने ये चिट्ठी में लिखा है कि अब बिहार का जो है अनदेखी की जा रही है और इस तरीके से बयान देना, बिहार को टारगेट करना कहीं ना कहीं गलत है, इसलिए पीयूष गोयल से माफी मांगने के लिए भी कहा जा रहा है और साथ ही इस रिकॉर्ड को डिलीट करने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पीयूष गोयल के बयान के बाद से अब सियासी पारा हाई हो गया है, बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है और पीयूष गोयल के बयान पर मनोज झा भड़के। उन्होंने कहा कि अब इस रिकॉर्डिंग क्लिप को हटा देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए और पीयूष गोयल को इस बयान के बाद से माफी मांगनी चाहिए। तो देखिए मनोज झा ने चिट्ठी भी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि पीयूष गोयल ने बिहार के लोगों का अपमान किया है इस बयान के बाद से और उन्हें अब माफी मांगनी चाहिए। और चलिए आदित्य झा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर। आदित्य देखिए पीयूष गोयल के इस बयान पर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। मनोज झा ने चिट्ठी लिखी और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि अब पीयूष गोयल को माफी मांगनी चाहिए। तो शायद आदित्य से संपर्क टूट गया है, लेकिन देखिए बड़ी खबर है ये, पीयूष गोयल की ये जो टिप्पणी है इस पर अब सियासी बवाल मचा हुआ है। पीयूष गोयल के इस बयान के बाद से मनोज झा भड़के और पत्र लिखकर उन्होंने कहा है जगदीप धनखड़ को। इस पत्र में उन्होंने ये भी लिखा है कि अब पीयूष गोयल को माफी मांगना चाहिए। एक बार फिर से आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, आदित्य का रुख कर लेते हैं। आदित्य देखिए पीयूष गोयल की इस टिप्पणी पर जिस तरीके से अब बयानबाजियों का दौर तेज हो गया है, सियासी बवाल मचा हुआ है और उनसे माफी मांगने की लगातार मांग की जा रही है। देखिए शिवानी, पीयूष गोयल ने जिस तरीके से मनोज झा पर टिप्पणी की थी कि मनोज झा का बस चले तो वो पूरे देश को बिहार बना दे, इसको लेकर के राजद ने और खास करके मनोज झा ने इसको एक राजनीतिक इश्यू बनाया और
सभापति, राज्यसभा के सभापति हैं जगदीश धनखड़, उनसे मांग की कि पीयूष गोयल जो बिहार का अपमान किए हैं उसके लिए पीयूष गोयल को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बिहार का अपमान है। वो जिस लहजे में बिहार के ऊपर टिप्पणी की है कि मनोज झा का बस चले तो पूरे देश को बिहार बना दे, इससे बिहार की छवि खराब हुई है और उनके मन में बिहार के लोगों के प्रति घृणा है, तो इस एंगल से मनोज झा इसको अपने अपने हिसाब से राजनीतिक रंग देने के प्रयास कर रहे हैं। और खास तौर पर राज्यसभा के जो सभापति हैं उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, उन्होंने पत्र लिखकर मांग की है कि पीयूष गोयल या सार्वजनिक रूप से माफी मांगे क्योंकि ये बिहार का अपमान है। जी शिवानी, बिल्कुल। देखिए आदित्य, अब कहीं ना कहीं उस जो रिकॉर्डिंग क्लिप है उसको भी हटाए जाने की मांग की जा रही है मनोज झा से। इस चिट्ठी में उन्होंने ये भी बात लिखी है कि जो ये रिकॉर्ड है इसको अब डिलीट किया जाए और पीयूष गोयल माफी भी मांगे। जी जी शिवानी, जिस तरीके से जिस लहजे में पीयूष गोयल ने मनोज झा को लेकर के टिप्पणी की थी उसको मनोज झा ने बिहार की अस्मिता से जोड़ने का प्रयास किया है, और उनका साफ कहना है कि पीयूष गोयल ने जिस तरीके से बिहार के बारे में जो तर्क टिप्पणी की उससे लग रहा है कि उनके मन में बिहार के प्रति घृणा है और वो बिहारियों से घृणा करते हैं। इसीलिए उन्होंने मांग की है कि जो सदन में जिस तरीके से जो ऑफिशियल रिकॉर्ड जिस तरीके से होता है उसको वहां से ऑन रिकॉर्ड हटाया जाए, और खास करके पीयूष गोयल से और बीजेपी से उन्होंने मांग की कि बीजेपी की मानसिकता झलक रही है कि बिहार के लोगों के प्रति उनके मन में कैसी मानसिकता है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक पीयूष गोयल माफी नहीं मांगते हैं तब तक मनोज झा अपना जो ये मांग है वो जारी रखेंगे।